में जम्मू कश्मीर पर, मुझे जम्मू कश्मीर पर थोड़ा समझाइए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस की तरफ एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे हैं, लेकिन निर्दलियों को बड़ी तादाद में सीटें दे रहे हैं, 23 तक सीटें हैं निर्दलियों की, तो ये क्या किंग मेकर निर्दलीय साबित होंगे जम्मू कश्मीर में, या फिर पीडीपी जो 4 से तकरीबन 8 पर आ रही है, और गुप्कार गैंग जिसका कल आप जिक्र भी कर रहे थे, वो अकोमोडेट होकर सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं? कश्मीर में जो केंद्र है वो चाहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्शन के बाद किंग मेकर हो जाए। अगर हंग असेंबली हो तो ऐसी हो कि उसके ग्रीन सिग्नल के बिना तो बनेगी नहीं सरकार, राइट, तो वही करेंगे। और वो सत्ता में भागीदार है कश्मीर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई भी सरकार रहेगी उसमें सत्ता में उनकी भागीदारी होगी। वहां जो सरकार इलेक्ट हुई होगी या जो भी असेंबली हो रही है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्ट हो रही है जी, मैं स्ट्रांग वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, असेंबली थोड़ी इलेक्ट हो रही है वहां पर। वो जो अभी रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं उसके चलते तो कोई अधिकार ही नहीं बचा मुख्यमंत्री के पास, तो वो तो आधे से भी कम मुख्यमंत्री होगा जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री है। लेकिन ये जो वहां पर छोटे छोटे दलों को प्रोत्साहित किया गया है और ये सब इलेक्शन से पहले जो उनको रिहा किया गया है और उन लोगों की जो अलायंसेस बनी है इलेक्शन के नजदीक, मिसाल के तौर पे इंजीनियर रशीद की और जमात इस्लामी की, ये जो अलायंसेस हैं, इन अलायंसेस के चलते मैं समझता हूं कि दिल्ली जो है वो सक्सेसफुल हो गई है पहले की मिसहैंडलिंग को रिपीट करने में। हमको एक सुथरा इलेक्शन देना चाहिए था कश्मीर को। जब आपने कानून में अमेंडमेंट्स कर दी हैं, उनके उनके पास अधिकार ज्यादा नहीं रहेंगे, तो आपने एक तरह से सिक्योर कर लिया है अपना परसेप्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो उसके बाद तो कम से कम एक सुथरा इलेक्शन देना चाहिए था ना वहां। नहीं विनोद जी, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए इसको। ये मैं जो कह रही हूं कि एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो अदर्स को दे रहा है 8 से 23, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 35 से 45, बहुमत है 48 का, और बीजेपी को 24 से 34। तो ये निर्दलीय जो है, बहुमत 46 का है, बहुमत 48 का इसलिए है विनोद जी क्योंकि 5 तो राज्यपाल को मनोनीत करने हैं ना, 5 राज्यपाल मनोनीत करेंगे जिसमें 2 महिलाएं होंगी और 3 कश्मीरी विस्थापित पंडित होंगे, तो वो अकोमोडेट होंगे ना, 5-95 का हो जाएगा असेंबली का स्ट्रेंथ। आप उसमें मत इंक्लूड करें, वो अलग से जुदा करके उसको एनालिसिस करें, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, आप एक ऐसे सर्वेस पर माइक्रो एनालिसिस कर रही हैं जिन सर्वेयर्स का हमको कहां का अता पता नहीं पता है, वो नए नए नामों से उभर के आए हैं, जिस तरह से मिलिटेंसी नए नाम से उभर जाती है ना, तो एक मिलिटेंट ग्रुप को बैन कर दिया जाए तो वो दूसरे नाम से उभर आते हैं। तो अभी जो सर्वे किया है बहुत सी एजेंसी जो विभिन्न जुदा नामों के तहत वो आ रही हैं, वो क्या है उनका उनका उनका, ये तो एस्टैब्लिश्ड सर्वे है विनोद जी, ये तो एस्टैब्लिश्ड है, मैं एक्सेस माई इंडिया का आपको ये सर्वे दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ये तो एस्टैब्लिश्ड है। अब इसमें निर्दलीय ज्यादा बड़ी भूमिका में आते हुए दिखेंगे क्या, या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस? देखिए, नजदीक सबसे एनसी एंड कांग्रेस हर सर्वे बता रहा है। विल इट बी अ केस ऑफ सो नियर एंड येट सो फार, सवाल ये है। और अगर इट विल बी अ केस ऑफ सो नियर एंड येट सो फार, तो उसमें किसका रोल रहेगा, इंडिपेंडेंस का रहेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रहेगा, केंद्र की सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए? सबसे बड़ा सवाल वो है। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन डेमोक्रेसी के सामने आज के दिन ये है कि जब वहां सरकार बने तो उस पर कोई उंगली ना उठे कि ये सरकार जो है वो सही तरीके से बनाई गई नहीं बनाई गई। और अगर उंगली उठेगी तो जितनी मशक्कत की है, जितनी कोशिश की गई है कि वहां पर नॉर्मलसी लाने की, वो कोशिश थोड़ी सी बेकार हो जाएगी। कोशिश बेकार होगी। राजकिशोर तिवारी।